ये बहुत सोची समझी साजिश है, जमातियों को बदनाम करने के नहीं और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सरकार कुछ मीडियाओं को, कुछ मीडिया कर्मियों से, कुछ चैनलों से हमें मुसलमानों को बदनाम करना चाहती है। क्या कोरोना वायरस के जिम्मेदार जमाती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना वायरस तो जमात के अंदर जबरदस्ती घुसड़ा गया है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, कोरोना कोरोना वायरस कहां से कहां पैदा हुआ? चाइना के अंदर, चाइना के अंदर पैदा हुआ था कोरोना वायरस। हिंदुस्तान में कैसे आया जरा आप याद करिए, बड़े बड़े लोगों के जरिए आया। ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे जब कोरोना वायरस को लेके आ रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, आज से एक महीने पहले ये पूरी दुनिया में ढोल पीट रहे थे सबके सब, और ये कह रहे थे, पूरी दुनिया में ढोल पीट रहे थे, ये कह रहे थे कि हम लेकर आए अपने लोगों को, हम लेकर आए। अरे जब बीमारी फैल चुकी थी तो ये क्यों लेकर आए? बहस इस बात पे होनी चाहिए कि आप बीमारी क्यों लेकर आए। आप बाहर से बीमारी लाए, आप चाइना से बीमारी लाए, आप इंग्लैंड से लाए, आप ताइवान से लाए, आप इंडोनेशिया से लाए, आप लेकर आए बड़े बड़े लोगों को, जन कितने मुल्कों से लेकर आप लेकर आए थी, नहीं आई थी? अरे बीमारी तो आप लाए, चाइना चाइना में फैली थी, हिंदुस्तान में तो नहीं फैली थी। फिर हिंदुस्तान में जब एंट्री करते हैं आप, एयरपोर्ट है वहां चेकिंग होती है, आपने क्यों आने दिया यहां पर? ये सोची समझी साजिश है, खास तौर से जमातियों को बदनाम करने की। मैं आपको एक बात तो बता दे रहा हूं, जो आने वाला वक्त है, मैं आपको बता रहा हूं, खुदा ना खास्ते मेरे मुल्क के अंदर कोई ऐसी बीमारी फैले, मैं चाहता हूं अल्लाह पाक से दुआ करूंगा, भगवान से, ईश्वर से ये दुआ करता हूं कि ये बीमारी यहीं पर ही खत्म हो जाए। अगर खुदा ना खास्ते ये बीमारी बढ़ गई तो इन्होंने पहले से ही जमातियों को टारगेट किया हुआ रखा है, टारगेट किया रखा है, ताकि ये बहुत आसानी से कह सकते हैं। अभी दो दिन पहले नई दिल्ली में दो बसें विदेशियों से भरी हुई इंडिया गेट के पास मिली थी, जिस पे प्रशासन ने भी कोई जवाब नहीं दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्या क्या दिल्ली के सीएम साहब, जैसे कि उन्होंने कोरोना वायरस के सिलसिले में निजामुद्दीन के लोगों के ऊपर एफआईआर कराई, क्या इन बस वालों के खिलाफ भी एफआईआर कराएंगे? ये किसने परमिशन दी अंग्रेजों को यहां घूमने के लिए? कोरोना वायरस के जिम्मेदार अंग्रेज हैं या भारतीय? ये कोरोना वायरस के जिम्मेदार तो भारतीय बिल्कुल नहीं है, कोई भी भारतीय तो है ही नहीं। ये तो कोरोना वायरस के जिम्मेदार वो लोग हैं जहां पर कोरोना वायरस पैदा हुआ, जहां ये बीमारी पैदा हुई थी। हम तो ये कहना चाहते हैं कि मीडिया वाले ये चर्चा क्यों नहीं कर रहे कि यहां पर लेके कौन आया उनको? उन लोगों को याद करो, आज से एक महीने पहले ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी और अड़ोसी पड़ोसी मुल्कों का नाम लेके ये कह रही थी कि वहां पर तो हम अपने सारे लोगों को ले आए, बड़ी बड़े बड़ी अपनी पीठ थपथपा रहे थे, जबकि वो बीमारी लेके आ रहे थे। ये जान पूछ कर इन्होंने हजरत निजामुद्दीन को टारगेट किया है, इन्होंने टारगेट किया है मरकज को टारगेट किया है, ताकि हम अपनी लूट मरकज पे डाल दें और हिंदू मुसलमान का नाम आने पर हिंदुस्तान के लोग पागल हो जाते हैं, दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान भाइयों से, आप इनकी नाकामियों की तरफ ध्यान दें। ये नाकारा है लोग, इन लोगों ने क्यों चेकिंग नहीं की एयरपोर्ट पर कि कौन बीमार है कौन अच्छा है, चाहे वो जमाती था उसको क्यों एंट्री दी इंडिया के अंदर? क्या जमातियों ने डॉक्टर नर्सों आदि से बदतमीजी की? ये सब प्रोपेगंडा है, एक वीडियो दिखा देंगे, एक वीडियो की बदतमीजी करते हुए नेशनल टीवी पे यही चल रहा है, बिल्कुल नेशनल टीवी सब। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत आपत्ति है कुछ एंकरों पर, जो बदतमीजी से बात कर रहे हैं जमातियों के नियम। ये इन लोगों से मैं कहूंगा, खास तौर से मुसलमानों से कहना चाहता हूं और हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों का चैनल देखना बंद कर दें जो हमारे आपस में लड़ाई करना चाहते हैं, हमें बांटना चाहते हैं। ये बड़े बड़े चैनल नहीं है, ये लोग वो लोग हैं, इनको तो कोई मतलब नहीं है जनता से। वह एक मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है कि बूढ़ा मरे या जवान, हमें तो हत्या से काम। ये वो लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि हिंदू मर रहा है मुसलमान मर रहा है, इनको तो सिर्फ पैसा चाहिए इन कर लोगों को,
गंदी गंदी बातें करते हैं, बांटने की बातें करते हैं। कुछ चंद मतलब चैनल, इन चैनलों की न्यूजों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, सिर्फ भाईचारा बनाए रखें। और रही बात मैं कहना चाहता हूं जमातियों की, जमाती तो सिर्फ इंसानियत सिखाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। जमाती इंसानियत सिखाती है। अगर उनके काम देख लेंगे ये लोग जाकर जमातियों के, तो ये इनकी बुराई नहीं कर सकते, फिर भलाई करेंगे उनकी। क्या पीएम मोदी के आज के आह्वान पर दिया, मोमबत्ती, फ्लैश लाइट ये सब जलाने का संदेश देंगे आप? हाँ, जलाना चाहिए। तो पीएम ने कहा जलाएं, कोई परेशानी नहीं है, समाज के साथ चले हमारा। उससे कोरोना मारा जाएगा? नहीं, कोरोना तो खैर नहीं मारा जाएगा, चूतिया जरूर बनाया जा सकता है जनता को, कोरोना तो नहीं मरेगा। थाली पीटने से अगर कोरोना मरता तो अमरीका में जाने कितनी थाली पट गई, अमरीका के नगर अगर मोमबत्ती जलाने से। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की अपील है, हम लोग करेंगे उसको, देश के साथ खड़े हुए हम लोग। जनता तक खाना और ये सब चीजें प्रोवाइड हो रही हैं? देखिए साहब, जनता तक जो प्रोवाइड हो रही हैं वो जनता एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। प्रशासन से कोई मदद मिल रही है, लेकिन जितनी कह रहे हैं उतनी नहीं मिल रही। प्रशासन से मिल रही है, लेकिन जितनी ये लोग टीवी पे आके योगी जी कहते हैं कि हम घर घर पहुंचाएंगे, ये कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ कोरे कोरे कागजों पे काम चल रहा है। हाँ, लेकिन जो मिल रहा है, मैं उसकी इस वक्त उस पर नहीं जाऊंगा, मगर मैं तो इस पर जाऊंगा कि ये नफरत फैला रहे हैं, जो लोग नफरत फैला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ सख्त कार्रवाई करे। जो ये कह रहे हैं कि जमातियों में गोली मारो, जैसे अभी बाल ठाकुरे की भतीजा, क्या नाम है उसका, अदब ठाकुरे ने कहा है कि राज ठाकरे ने कहा है कि जमातियों में गोली मार देनी चाहिए। एक अलीगढ़ में कोई महिला रहती है, उसका भी दिमाग खसक गया बेचारी का, वो भी कह रही है कि जमातियों में गोली मार देनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों से कहूँगा, जमातियों से गोली मारने से काम नहीं चलेगा, अपनी अकल पे ठंडा पानी डालो और इंसान बनो, इंसानियत की बोली बोलो, इंसानों की तरह बात करो। कोरोना ऊपर वाली ये बीमारी ऊपर से आई है। इस पूरे प्रकरण पे मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आपकी बात मानते हैं, आपको बहुत आदर से मानते हैं? मैं सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि देश के अंदर मिल बांट के रहें हम, ये बीमारी आई है, घरों में रहें, घरों में रहकर इससे हम लोग लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये कोरोना जो वायरस फैला हुआ है इसको हम हराएंगे और हिंदुस्तान से भगाएंगे। लेकिन कोरोना वायरस से खतरनाक वो एंकर हैं जो हिंदू और मुसलमान का भेदभाव पैदा कर रहे हैं, जिनके अंदर जो वो अपनी भाषा से, मैं आप एक बात करना चाहता हूं आज, इनकी भाषा से और इनकी बोले से, एंकर की बोलियों से, मैं अपने अलीगढ़ के एक वाक्य बताना चाहता हूं। अलीगढ़ में एक जगह टप्पल है, टप्पल का एक पास एक गांव है, उसका नाम मैं आपको बता दूंगा। उस गांव के अंदर एक मौलाना पांचवी साल से सब्जी बेचने जाते थे, लेकिन कल की घटना यह है कि जब वो गांव में सब्जी ले बेचने गए अपने टेम्पू में रखकर, तो वहां पर लोगों ने उनसे मना कर दिया कि तुम सब्जी बेचने मत आया करो। तो उन्होंने कहा, भाई आज ऐसी क्या बात हो गई जो मेरी सब्जी में मैं बेचने ना आऊं? कि नहीं, टीवी पर बताया जा रहा है कि आप लोग वायरस और कोरोना फैला रहे हैं, तो ये तुम्हारा इतिहास है टीवी वालों, ये तुम्हारा चैनल वालों, ये तुम्हारा इतिहास है। तुम लोग मतलब मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हो, मुल्क के साथ। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं और इसको इनके ऊपर शह है बड़े बड़े लोगों की, वरना ऐसे लोगों को उठा के बंद कर देना चाहिए, इनके चैनल बंद कर देने चाहिए, इनके चैनल बिल्कुल नहीं देखने चाहिए, इनके चैनल देखने के बाद में इनके संपत्तियों की जांच की मांग करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि इनके दिमागों की जांच होनी चाहिए और मत कुछ करो इस वक्त हमें संपत्ति की नहीं, इनके दिमागों की जांच करनी है, इनका दिमाग साफ करना है। जो चैनल इन्होंने इस बीमारी को भी हिंदू मुसलमान में बांट दिया, जातियों के नाम पर जो देश भर में सांप्रदायिकता फैलने का सा माहौल पैदा हो रहा है, उसमें क्या कोई आप कार्रवाई कर रहे हैं? मैंने आज अलीगढ़ एसएसपी साहब को एक लेटर लिखा है और उस पर
एफआईआर करने के लिए कहा है, उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। अब एसएसपी साहब क्या करते हैं मैं कल परसों उनसे मालूम करूंगा, मगर मैंने लिखित में शिकायत करी है ऐसे लोगों के खिलाफ जो जमातियों को ये कह रहे हैं कि गोली मारो, जमातियों को गोली मार दो, ये जो भाषा बोल रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं होती है तो ये कोरोना जो आपका वायरस है उससे खतरनाक ये लोग हैं, वो तो मर जाएगा कोरोना दवा करने से। ये लोग इतने बदतमीज हैं कि ये दवा से नहीं मरेंगे, ये पुलिस की डंडे से ही मरेंगे और पुलिस की कार्रवाई करने से ही मरेंगे। तो मैं ये अपील करता हूँ ऐसे जानवरों के खिलाफ जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, चाहे वो एंकर हो या कोई नेता हो जो देश को बांटने की बात करें, पुलिस को चाहिए कि वो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करें और एक्शन लें।